नमस्कार, एमएचएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। मोदी सरकार अपने कार्यकाल का आखिरी पूर्णकालिक बजट फुल बजट पेश करने जा रही है, क्योंकि अगले साल जब बजट पेश होगा उसे वोट ऑन अकाउंट कहा जाएगा, क्योंकि अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं। इसे आखिरी पूर्ण बजट कहा जा रहा है। उम्मीदें बहुत सारी हैं कि आखिर सरकार करेगी क्या, जीएसटी नोटबंदी के बाद व्यापारी क्या कुछ चाहता है, किसान जो इतनी तकलीफ में है वो क्या सोच रहा है, मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा आदमी आयकर में राहत चाहता है। इन तमाम सवालों के बीच में एक सवाल ये है कि रेल बजट अब इतिहास बन गया है, रेल बजट आता नहीं है, तो ऐसे में लोग रेल में क्या उम्मीद करते हैं। आज हम सफर करेंगे दिल्ली से अमृतसर तक का और जानेंगे जनता क्या कुछ चाहती है। तो मैं सफर करने जा रहा हूं, तो मैं चाहूंगा आप मुझे कहें ऑल द बेस्ट, और आइए देखते हैं कि जनता की उम्मीदें सरकार से इस बजट में क्या है। अंदर आने के बाद कम से कम हम ये उम्मीद कर रहे थे कि हमारे इस बैग की चेकिंग होगी, क्योंकि हम राजधानी दिल्ली में एक रेलवे स्टेशन में एंटर हो रहे थे, लेकिन किसी ने भी हमारा बैग चेक नहीं किया है। तो सुरक्षा एक बहुत बड़ा विषय है और ट्रेनों की सुरक्षा को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। ये देश की राजधानी है, राजधानी में हम इस बैग को लेकर सीधा अंदर प्रवेश कर गए, कोई हमें रोकने वाला नहीं था। ये एक गंभीर सवाल है जिसके बारे में सरकारों को सोचना होगा कि जब बजट में वो सुरक्षा को लेकर कुछ पैसे अलॉट करती है तो उम्मीद की जानी चाहिए थी कि इस मामले को लेकर वो कुछ गंभीर नजर आए। आपका नाम क्या है? हरबंस वर्मा। हरबंस जी, एक बार फिर से बजट आने जा रहा है, क्या उम्मीद कर रहे हैं सरकार से? अब जो पास होगा उसको तो मानना ही पड़ेगा, जो कुछ भी पास हो बजट में वो तो मानना पड़ेगा। नहीं, उम्मीद क्या कर रहे हैं, चाहते क्या है सरकार से? सरकार से यही चाहते हैं कि गरीब को कुछ तो किफायती, हाँ, राहत मिले, और जो अमीर लोग हैं उन पर थोड़ा टैक्स लगे तो बात अलग है, गरीब को भी तो थोड़ा देखना जरूरी है। अमीर लोग का तो बड़े बड़े, किसी का 50,000 तनख्वाह 80,000 तनख्वाह है, और गरीब का 5,000-10,000 पर वो भी मारे मारे फिर रहे हैं, तो वो लोग का भी राहत मिलना चाहिए। एक बात बताइए कि पिछले 3-4 साल में रेलवे में कोई सुधार देखने को मिला है आपको? रेलवे में तो सुधार नहीं मिला, जैसे चल रहा है वैसे ही चल रहा है। अच्छा, कुछ ऐसा बदलाव जैसी कोई चीज़ नहीं? बदलाव में ये हुआ है कि लाइनें बन रही है, लाइनें नई नई लाइनें बिछ रही है, डबल लाइनें हो रही है। आप तो हजारों यात्रियों को रोज देखते हैं, कुछ यात्रियों के लिए सहूलियत बड़ी है क्या? सहूलियत तो कोई हमें देखने को नहीं मिल रहा है भाई। अच्छा, लोग किताबें पढ़ते हैं, अब छोड़ दिया मोबाइल के चक्कर? मोबाइल के चक्कर में बहुत छोड़ दिए हैं, क्या पढ़े, कोई सेल साल तो अब है नहीं। अच्छा, वैसा काम नहीं रहा? नहीं, वैसे काम नहीं रहा, काम बिल्कुल मंदा हो गया है, सब मोबाइल में लगे हैं, तो पेपर तक नहीं पढ़ने आते, आप देख ही रहे हो, तो इसे मंदा हो गया सब। तो देखिए, एक दशा ये भी है, और ये आपको समझना होगा कि डिजिटल इंडिया के दौर में वो किताबें वो अखबार कोई नहीं पढ़ रहा है, और जैसा कि आपने सुना रेल में कुछ बहुत बदलाव नहीं दिख रहा है यात्रियों के लिए, ऐसा इनका मानना है जो यहाँ पर रोज हजारों यात्रियों से मिलते हैं। और लोग क्या कहते हैं, बजट से क्या उम्मीदें हैं गरीबों की, सुनिए वित्त मंत्री जी, ये जनता कह रही है। आम दिनों के मुकाबले स्टेशन पर भीड़ काफ़ी कम नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि दिल्ली का व्यस्तम रेलवे स्टेशन है राजधानी में, लेकिन उतनी भीड़ नज़र नहीं आ रही है, शायद कुछ साफ़ सफाई का आलम भी नज़र आ रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से कुछ सवाल हैं, लेकिन जो लोगों को जानकारी है वो ठीक मिल रही है नहीं मिल रही है, ये भी देखने वाली बात है। बजट से कोई उम्मीद है आपको? कोई उम्मीद नहीं, मोदी सरकार से कोई उम्मीद नहीं, हिंदुस्तान बर्बाद हो रहा है। क्या लगता है आपको, क्या क्या चीज़ें खराब हो गई? सब चीज़ में ही, ट्रेन लेट जाती है,
महंगाई बढ़ रही है। ट्रेनों से और क्या उम्मीद कर रहे हैं, या फिर ये तीन साढ़े तीन चार साल में ट्रेनों में कुछ बदलाव दिखा है आप, सफाई के लिहाज से या किसी और लिहाज से, या ट्रेनों की सहूलियत के लिहाज से जो ई टिकटिंग की या दूसरी चीज़ें की गई हैं उसमें कुछ बदलाव नज़र आता है? सिर्फ ई टिकटिंग थोड़ा सुधार नज़र आ रहा है, पर सफाई के मुकाबले अभी इतना इसको सुधार नहीं है। सफाई में वही सिस्टम अभी तक, खास करके मैं अभी आया हूँ, जो ट्रेन ने पीछे आई है राजस्थान संपर्क कराती है, साफ सफाई इतना अच्छा नहीं है, ट्रेनों की हालत वही है। हाँ, बल्कि बाथरूम वगैरह ऐसी है, वही पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है, पुराने वाला पुराने ही उनके लगा रखे हैं, मतलब कि अंदर का जो बोल रहे हैं कि हमने वो करेंगे, दूसरा चेंजमेंट करेंगे, कुछ नहीं चेंजमेंट हुआ अभी तक। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेशनों का चेंज कर रहे हैं कुछ, और देखो अभी क्या होता है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें तो टाइम लगेगा। उम्मीद कर रहे हैं आप? हाँ, उम्मीद कर रहे हैं। चलिए, तो कहीं ना कहीं उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। भैया क्या करते हो? पानीपत में काम करते हैं। अच्छा, हाँ। बजट पता है क्या होता है? बजट पड़ता है, दिहाड़ी भी अपनी कम है। अच्छा, बढ़नी चाहिए ना? हाँ, दिहाड़ी भी बढ़नी चाहिए, पैसा वैसा बच रहा नहीं है। अच्छा, सरकार जो इतनी, अच्छा आपने खाता खुलवाया बैंक में? खुलवाया रखा है, सरकार ने स्कीम चलाई थी। हाँ, खुलवा रखा, उसमें खाते में पैसे भी नहीं आए, कुछ पैसे नहीं है उसमें, नहीं आए, मतलब खाता खुलवाने कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ उसमें। सुना आपने, सरकार तो ये भी कहती है कि उसने कितने लोगों को खाते खुलवा के बैंकिंग में ले आई है, खाते खुले हैं लेकिन सर पैसे तो नहीं आ रहे हैं। तो इस बीच आप देख रहे हैं कि ट्रेनों का आने जाने का सिलसिला भी यहाँ शुरू हो गया है, ट्रेन भी एक लगनी शुरू हो गई है, तो ये सफ़र जारी रहेगा। लोगों से बात करेंगे दिल्ली से अमृतसर के बीच में, और जानेंगे कि उम्मीदें क्या हैं, कहाँ उम्मीदें धूमिल हुई हैं, और किस तरीके से जो लोग सोच रहे थे उतना धरातल पर उतरा है या नहीं। तो स्टेशनों पर वाईफाई सुविधा को लेकर बहुत तरह की बातें की जाती हैं, बजट में भी की जाती हैं, ये देख लेते हैं क्या सुविधा है, ये रियलिटी चेक कर लेते हैं कि वाईफाई ऑप्शन में जाकर रेल वायर वाईफाई हमें मिला है, और सिक्योरिटी रिकमेंडेशन इसमें मांगा गया है, मतलब यहाँ से तो ये ओके हो ही रहा है। यहाँ वाईफाई सेक्शन में हम पहुँच गए हैं, एक कोड यहाँ पर मांगा गया है, जो नंबर मैंने डाल दिया है, देखते हैं कितनी देर में ये कनेक्ट हो पाता है। कोड आ गया है, तो इससे कनेक्ट होने के बाद, जी हाँ, ये वाईफाई स्टार्ट हो गया है, स्टार्ट ब्राउजिंग, ये आप देख सकते हैं, और बहुत अच्छी स्पीड में स्टेशन पर हमें वाईफाई मिल रहा है। MH1 न्यूज़ की ऐप हमने खोली है, इस पर ताज़ा तरीन खबरें आप हमेशा देख सकते हैं, हमेशा देश और दुनिया की खबरों से कनेक्ट रह सकते हैं। तो ये वाईफाई यहाँ पर चल रहा है, तो ये रियलिटी चेक में कम से कम पास रहा, रेल मंत्रालय की ओर से जो कोशिश की जाती है, ये आप देख रहे हैं कि वाईफाई बहुत बेहतरीन तरीके से रेलवे स्टेशन पर काम कर रहा है, यानी कि कम से कम जिस डिजिटल इंडिया की बात होती है उस दौर में आप रेलवे स्टेशन पर वाईफाई का तो आनंद ले ही सकते हैं। मूलभूत सुविधाओं को लेकर अभी भी सवाल है, लेकिन इस तरह की सुविधाएं तो यहाँ मिल ही रही हैं। तो ये है दिल्ली पठानकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस, और जो दशा हमने देखी है, जिस तरह से लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे, धक्का मुक्की सामान रखने की जद्दोजहद, वो देखने को मिली है। इस पूरी ट्रेन में एक ये कोच है जो इसी कोच है, बाकी पूरी ट्रेन ऐसे ही है। तो इस ट्रेन में हम सफ़र करेंगे दिल्ली से अमृतसर तक का, और ट्रेन में लोगों से जानेंगे बजट से क्या उम्मीदें हैं, रेल बजट को लेकर जो अब नहीं रहा लेकिन रेलवे में क्या कुछ सुधार की उम्मीद वो कर रहे हैं, और आखिर सरकार से वो चाहते क्या हैं, वित्त मंत्री से उनकी उम्मीदें क्या हैं। मोदी सरकार के कार्यकाल का आखिरी फुल बजट, क्या है उम्मीदें? सवाल इसलिए भी बड़े हो गए हैं क्योंकि रेल बजट अब नहीं आता है, रेल बजट इतिहास हो गया है भारत में, और सरकार ने एक दलील ये दी थी कि नई ट्रेनों को आखिर क्यों चलाया जाए, जो चल रही हैं पहले कम से कम वो तो सही तरीके से चलें। इस दलील में कितना दम है, और किस तरीके से लोग इस आने वाले बजट से उम्मीद कर रहे हैं, लोगों से बात करते हैं। बजट आने वाला है, क्या उम्मीदें हैं, क्या चाहते हैं सरकार से?
सरकार सबसे पहले तो डीजल ही कम कर दे, डीजल का रेट कम कर दे ताकि सब्जियां जो है सस्ती मिलें, ट्रांसपोर्ट सस्ता हो जाए। आंटी आपके किचन पे असर पड़ता है जिस तरह का बजट अभी आता है? पड़ता है। क्या कुछ होना चाहिए? चलिए इस बार बजट आ रहा है और सरकार से बड़ी उम्मीद है, हर कोई खुशी से किचन में खाए पिए मौज करे। क्या कुछ सस्ता होना चाहिए? खाने के राशन की चीज़ें तो खास करके सब्जी दाल सब सस्ता ही होना चाहिए। हर कोई खाने को हर किसी को ठीक से खाने को मिले। जब जाते हैं बाज़ार में सब्जी लेने या दालें लेने या अनाज लेने, क्या लग रहा है कि महंगाई बढ़ी है, रुकी हुई है क्या? बहुत बढ़ी है महंगाई। एक आम आदमी के लिए तो ठीक से खाना पीना ढंग से मुश्किल हो गया। आपकी क्या उम्मीदें हैं इस बार सरकार से बजट में? मेन तो गैस की प्रॉब्लम है, पेट्रोल वगैरह, और मेन इधर उधर जो लोग ड्राइव करते हैं उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थोड़ा उनके रेट गिराएं। दूसरी एलपीजी गैसेस उनको थोड़ा सा वो करें, क्योंकि मम्मी लोग किचन में खाना वाना बनाती हैं, सब्जियां तो दिन प्रतिदिन महंगी हो रही हैं, उनमें तो वो नहीं। वो कहते हैं जी सब्जियां तभी महंगी होती हैं जब मौसम ख़राब होता है। अब ये तो वो है ना कि आप किस टाइप से फर्टिलाइज़र, ऑब्वियसली बात है फार्मर्स के लिए भी होना इम्पोर्टेंट है, उनके लिए फर्टिलाइज़र उतना अच्छा देना चाहिए। ट्रेन में आप ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में क्या सुधार चाहते हैं या फिर कुछ सुधार आपको दिखा है पिछले कुछ वक्त में? रेलवे स्टेशन में तो सफाई बिल्कुल ही नहीं रहती, अगर आप जाएं तो बिल्कुल सफाई नहीं है। मेन ये है, सबसे पहले तो एक लॉ बनना चाहिए, जो भी कूड़ा करकट इधर उधर फेंक रहा है वो डस्टबिन में होना चाहिए। अगर जो नहीं डाल रहा अगर उसे पकड़ लिया जाए तो उसको फाइन दें। अगर हम ऐसा करेंगे तो ऑब्वियसली बात है लोग ना फाइन देने के मारे डर के मारे वो डस्टबिन में डालेंगे। रेलवे में सफाई पहले ज़रूरी है, सफाई पहले जरूरी है। वाईफाई तो सबके फ़ोनों में होते ही है, सफाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्टेशनों पर वाईफाई बहुत मिल रहे हैं स्टेशन पर ट्रेन पे और उसकी बड़ी तारीफ कर दी जाती है, उसको बड़ा कोई ज़रूरी नहीं है वो फ्री ये चीज़ें फ्री में तो सब कुछ फ्री तो हर चीज़ आदमी को फ्री लुटाओ और वोट ले लो वाली बात है। आदमी अपना पैसा खर्च करके भी वाईफाई वगैरह यूज कर सकता है, अपना इंटरनेट यूज कर सकता है, लेकिन सफाई वगैरह जी यानी सफाई पे काम नहीं कर रही है सरकार? नहीं हो रहा। जो मोदी जी का था कि साफ सफाई हो हमारा प्लेटफॉर्म ऐसे रहे ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सारी नहीं ना मेन इंडिविजुअल इंसान को भी सफाई करनी चाहिए, अगर जब तक हम इसमें फाइन नहीं लगाएंगे। ये बड़ी जरूरी बात कह रही है कि सिर्फ सारी जिम्मेदारी सरकार की क्यों है? सरकार की नहीं, मेन आम इंसान को भी ये करना चाहिए। सर वाईफाई जरूरी है या सफाई? सफाई जरूरी है एब्सोल्युटली। सफाई नहीं दिख रही अभी? सफाई है, आई थिंक पहले से बेटर है, बट सिर्फ जो मेट्रो सिटीज़ के आपके रेलवे स्टेशन है वहीं पे, जब आप मेट्रो से बाहर निकल जाते हैं तो बहुत बुरी हालत है। यहाँ पे यहाँ तक कि मेट्रो सिटीज़ के भी जो छोटे रेलवे स्टेशन है, जैसे अगर आप सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन पे चले जाएं तो वहाँ खड़े होने के भी बहुत प्रॉब्लम है। हमने तो सुना है कि इस रूट पे आगे सरहिंद व्यास बड़े साफ सुथरे रेलवे स्टेशन है। सर वही मैं बोल रहा हूँ कि जो मेजर रेलवे स्टेशन है उन पर तो काम हो रहा है विच इज़ गुड, हावेवर जो छोटे रेलवे स्टेशन हैं जहाँ पे कम तादाद में लोग जाते हैं वो इतनी बुरी हालत में है कि आप खड़े भी नहीं हो सकते। अब ये जो कहा जाता है कि कुछ लोगों के एक्सपीरियंस भी हैं कि आप सफाई या नहीं देखते हैं तो आप एक ट्वीट कर दीजिए, कंप्लेंट कर दीजिए, लोग आ जाते हैं, कुछ ऐसे इंप्रूवमेंट दिखता है? मेरे ख्याल से ये दिस इज़ अ लैग हम लोगों के उस पर, हम लोग बातें बहुत करते हैं, बोलते बहुत हैं कि सफाई नहीं है, बट एक्चुअली जब उस पर इम्प्लीमेंट का टाइम आता है फ़ोटो खींच के भेजने का तो नहीं भेजते। इवन मैंने नहीं किया, बहुत बारी रेडियो पे सुना है कि कर सकते हैं, किया कभी नहीं है, एंड आई डोंट थिंक कि बहुत सारे लोग कर भी रहे होंगे। अच्छा आप जॉब करते हैं जी, ग्रेचुटी को लेकर सरकार कुछ सोच रही है कि जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ किया जाए, कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बजट से आप? आई डोंट हैव एनी आइडिया। ग्रेचुटी तो फिलहाल तो हमारी सैलरी से ही कटती है और उसका एक छोटा पार्ट हम दिए जा रहे हैं, और अगर चार साल कहीं काम करेंगे तो एक्सपेक्टेशन है वापस मिलने की, वरना मिलती नहीं है। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि वो गवर्नमेंट की तरफ से आ जाए या समथिंग लाइक दैट, इट बी ग्रेट। एडवाइस क्या देंगे फाइनेंस मिनिस्टर को बजट के लिए? आई डोंट नो, मैं आई एम लाइक ए लेमैन टू दिस, बट मेरा सिर्फ इतना ही प्रॉब्लम है कि जो टैक्स दे रहे हैं आई थिंक उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। बहुत छोटी पॉपुलेशन है जो टैक्स दे रही है और बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो उस टैक्स के बेनिफिट उठा रही है। सो आई थिंक जो लोग टैक्स दे रहे हैं मेरी तरह, जिनका बहुत एक मोटी अमाउंट हर महीने टैक्स में कट जाता है, उनको कुछ बेनिफिट होना चाहिए इन दी एंटायर बजट। जीएसटी थोड़ा सा कम कर दें, पहले इन्होंने बढ़ाया था,
अपना अब थोड़ा बहुत कम करें तो मेडिसिन में सबको, बहुत सारे सेक्टर में तो कम किया है पर मेडिसिन में नहीं किया ना, मेडिसिन में तो कम करें ना, उसमें 18 है तो थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं, जो कम करेंगे तभी, और बाकी तो गवर्नमेंट के हाथ में है जो करेगी। कुछ और चीज़ें जो आपको लगता है गवर्नमेंट को करनी चाहिए बजट में, क्योंकि इस गवर्नमेंट का लास्ट फुल बजट है या सब कुछ ठीक चल रहा है अभी? नहीं, अभी तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है जो है, अब बाकी तो जब बजट आएगा तब पता चलेगा। हमारे देश में रेल बजट भी आता था कभी, वो इस सरकार ने खत्म कर दिया है, ठीक किया या, क्योंकि गवर्नमेंट का ये कहना था कि जो ट्रेनें चल रही हैं पहले उन्हें ठीक से चला लें, ये ठीक थी बात? हाँ, कुछ कुछ ठीक भी थी और कुछ नहीं भी, क्योंकि रेल बजट आ जाता था तो सबको पता चल जाता था कि हाँ ट्रेनों का बजट क्या चल रहा है, और पता चल जाता था एक इवेंट कम हो गया, इवेंट हाँ ये कम कर दिया इन्होंने। ये इस ट्रेन का इकलौता एसी कोच है जिसमें गंदगी बहुत है, दूसरे कोच में, सामान्य श्रेणी के कोच में क्या स्थिति है आइए वो देख लेते हैं। तो अब हम आ गए हैं एक सामान्य कोच में, हालत देखिए, ठंडी हवा चारों तरफ से आ रही है, लोग सिकुड़े हुए हैं, दबे हुए हैं, और एक तरह से जो सफ़र जो रेलवे कहता है आपकी यात्रा मंगलमय हो, मंगलमय तो नहीं लगती है, ऐसा लगता है कैसे भी वक्त कट जाए, ये रास्ता निकल जाए और आदमी अपनी मंजिल पर पहुंच जाए, जिस तरह की परिस्थितियां यहां देखने को मिलती है। बजट आने वाला है, क्या उम्मीद करते हैं इस बजट से? सर क्या कह सकते हैं, बीजेपी ने तो GST लगा के सबकी बोलती बंद कर दी है। नुकसान हुआ GST से? व्यापारी वर्ग को नुकसान हुआ ही है। अच्छा, GST के बाद वाला बजट है तो क्या उम्मीद कर रहे हैं, मतलब क्या सुझाव क्या देंगे सरकार को? सर हम कहते हैं कि अगर GST लगानी तो प्रॉपर GST लगाएं, जैसे एक व्यापारी है 2000 की शर्ट लेके आता है वो 2100 में बेच देता है, और जो GST लगेगी जिसको उसको 2100 की खुद पड़ेगी, वो कितने की बेचेगा? या तो प्रॉपर सरकार GST लगाए। सरकार अगर अब GST में सुधार कर रही है तो क्या इसमें देर हो गई है, या आपको लगता है तैयारी के साथ लेकर नहीं आई थी? सर हम तो कहते हैं तैयारी के साथ नहीं आई GST। आपने लोगों की बात सुनी, सर इस सरकार का आखिरी फुल बजट आने जा रहा है, एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी सरकार से? अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, बजट अच्छा आएगा, हिंदुस्तान बहुत तरक्की पर है। लोग कह रहे हैं ट्रेन में तो नहीं दिख रही, कोई बदलाव भी नहीं दिखता लोगों को 3 साल में 4 साल में? देखिएगा, ऐसे झटके थोड़ी दिखेगा, कोई टाइम लगेगा, हर चीज़ का टाइम लगता है। लोग आज जाते हैं आज थोड़ी होगा, कोई टाइम लगता है हर चीज़ का। लोग कह रहे हैं बताइए साफ सफाई तक नहीं दे पा रहे हैं, वाईफाई देना चाहते हैं। नहीं नहीं, बहुत पहले से बहुत साफ सफाई है, देखो आप खुद प्लेटफॉर्म पर कितनी साफ सफाई है, हम तो देख ही रहे हैं। वो जनता को दिख नहीं रही है वो। उम्मीद क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ें, क्या सुधार होना चाहिए? पेट्रोल डीजल के दाम से लेकर हर चीज़ को लेकर लोगों के सवाल। पेट्रोल डीजल का दाम ज़्यादा बढ़ा रखे है, थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए इसके अंदर। बाकी सरकार ठीक चल रही है आपके साथ? बहुत बढ़िया है, अच्छा है ये। चलिए सरकार बहुत ठीक चल रही है, चलिए कम से कम सरकार के लिए भी खुशी की बात है, और इसी कदम पर सरकार भी तमाम तरह की चीज़ें जो है वो करने की कवायद रखती है, इस तरह की कोशिश करती है। बजट आने वाला है, क्या उम्मीद कर रहे हैं सरकार? 0%। इस गाड़ी की बात पूछ रहे थे आप, जितना बेड़ा करके इस गाड़ी के पैसेंजर कराया इन्होंने, किसी का नहीं करा, कोई खिड़की नहीं ठीक हो रही, बंद हो रही, ढाई की जगह नहीं है, 3 आदमी सीट लॉट कर रही है। आप मुझे मोटे 3 आदमी बैठा के दिखा दीजिए, 1 आदमी आधा 8 आने नीचे होता है सीट। सुधार हुआ है और ख़राब हो गई? ये बहुत ख़राब हुई और आगे ख़राब होगी, इनके बस का नहीं है, मैं दावा करता हूँ, लिख के देता हूँ इस बात को। मैंने चिट्ठी लिखी है CPIO रेलवे बोर्ड को कि यहाँ 3 आदमी जगह नहीं बैठने की, आपने सुपरफास्ट कर दिया, 15 रुपये आपने फालतू किराया ले लिया, 1000 रुपये ले रहे हो, फैसिलिटीज़ क्या प्रोवाइड करी है मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला CPIO की तरफ से। अच्छा, इसको सुपरफास्ट नाम कर दिया और किराया बढ़ा दिया? किराया बढ़ा दिया, लेकिन फैसिलिटी एक पैसे नहीं दी, बाथरूम जाके देखो सारी टूटियाँ खराब हैं। अच्छा, ये जो कहते हैं कि जी जो चीज़ें बदल रही हैं, सुधार हो रहा है, कुछ दिख रहा है आपको? मुझे सुधार आम आदमी के लिए कुछ नहीं दिख रहा, बड़े वाले के सब कुछ हो रहा है। इतनी ठंड में भी आप कह रहे हैं कि हवा आ रही है, सब कुछ खिड़की उड़की कोई प्रॉपर नहीं है? बंद करके दिखा दीजिए मुझे, सामने खड़ा है, मैंने ये जुहान से बंद कराई है, जुहान आदमी बंद कर, मैं बुढ़ा आदमी 85 साल का कैसे बंद करूंगा? एडवाइस दे दो सरकार को, सुन रही है सरकार आप? हाँ सुन रही है, एडवाइस यही है कि बंदे बन जाओ, इंसान बन जाओ, आम आदमी के लिए सोचो कुछ। अब ये एक और बात बोल दूं, ये जो मोदी साहब हमारे, इन जैसा कोई आदमी होशियार नेता बोलने वाला हिंदुस्तान में नहीं है, बहुत तेज आदमी है, मानता है इस बात को, लेकिन लेकिन कहना नहीं चाहता, कह देता हूँ थोड़ा सा इशारे में, लेकिन आम आदमी के लिए कुछ नहीं करा, जमीन पर कुछ नहीं दिख रहा,
ग्राउंड ग्राउंड कुछ नहीं, मेरे गांव में चलिए, मेरे नलकों का पानी काला हो गया है, जो ये लैट्रिन बाथरूम जा रहे हैं, कौन देख रहा है उसको, कौन देख रहा है? कहाँ आपका गांव कहाँ है? मेरा गांव गुरदासपुर, जेल रोड पे, एड्रेस लिख लो, आ जाओ मेरे घर, टेलीफोन नंबर नोट कर लो। सरकार के पास आखिरी साल है, आखिरी साल छुट्टी, गुजरात में देख लिया क्या हुआ, ऊपर हो गए थे, नीचे ऊपर सांसें रुक गई थी, हैं? 19वें भी ऐसा होने की उम्मीद है, अगर इंसान नहीं बने। मोदी साहब बहुत होशियार आदमी है, दास आदमी एक तरफ, मोदी साहब एक तरफ, बिना लिखे बोलते हैं। मौका है ना, अभी भी है ना मौका संभलने का, है, अगर संभल जाए तो अभी साल भर का है, मोदी साहब समझ जाओ, हाथ तक जोड़ के गुजारिश है, आम जनता की सोचो। जो लोगों की नाराजगी थी वो ये देखिए, कड़कड़ाती ठंड है और ये खिड़की बंद नहीं होती है, हवा बहुत तेज अंदर आ रही है, ये ट्रेनों की दशा है आपके सामने। और जब लोग कहते हैं कि आपने सुपरफास्ट के नाम पर पैसे बढ़ा दिए, पीछे एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं, ये देखिए, यहाँ से भी हवा आ रही है, बहुत तेज़ हवा आ रही है, ठंडी हवा आ रही है, और उसके बाद लोगों की जो दशा है इस कोच में वो आप देखिए, ठंड में सिकुड़ते हुए लोग नज़र आ जाते हैं, क्योंकि जब आपकी खिड़कियां दरवाजे ही बंद नहीं होते, बुज़ुर्गों को परेशानी होती है ठंड में, तो दिक्कत आती है। दरवाजे खुले हैं, लॉक ही नहीं लगते हैं, हवा आ रही है, हवा आ रही है, देखो वो सारे खिड़की खुली हुई है। रेलवे में कोई सुधार नहीं हुआ? नहीं, कोई सुधार नहीं है। किचन को लेकर कि कुछ क्या महंगा क्या सस्ता होना चाहिए, क्या उम्मीद? सब कुछ ही महंगा होने वाला है, मैसेज तो आ रहा है कि 100 रुपीज तक पेट्रोल जाने वाला, डीजल मैसेज आ रहे हैं ना, मतलब बता रहे हैं, न्यूज में भी बता रहे हैं। नहीं, आपके किचन का बजट जो है, चाहे वो राशन है, सब्जियां हैं, वो उस पर कुछ कंट्रोल हुआ है? कुछ कंट्रोल नहीं है, सब कुछ महंगा होने वाला है। प्याज से एक दिन भी प्याज कम नहीं आया, 60 रुपए से कम प्याज नहीं है। पहले कभी कभी रेट बढ़ते थे तो लगता है, अब तो रेट कम होते ही नहीं, कोई दाल कोई सब्जी कुछ कम नहीं है। दालों के रेट तो लोग कह रहे हैं कम हो, कहाँ कम है, 200-150 रुपए के बीच दाल है, सभी दाल। मतलब वही बात बार बार के सुनने को मिल रही है कि जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए कुछ नहीं हो रहा है, अच्छी ट्रेनों में हो रहा है या बड़े लोगों के लिए हो रहा है, मिडिल क्लास आदमी के लिए कुछ नहीं हो रहा है। हाँ जी, माता जी कुछ कह रही थी, आप बताइए। कह रही थी एक टॉयलेट में बदबू आ रही है। अच्छा, अरे एक बच्चों की जो कम पढ़े उनको काम नहीं है, वो लोग रोटी कहाँ से खाएंगे, बेरोजगारी का सवाल, बेरोजगारी है। ये बताओ आप, सिलेंडर है वो 750 का दे रहे हैं? नहीं, वो 750 का दे रहे हैं तो फिर बैंक में पैसे आते होंगे ना? आप 3-4 महीना से ना भेज रहे, आप चेक करो ना, करवा ली कई बार कॉपी। अच्छा, हाँ नहीं आ रहे पैसे वापिस। बोलो, हम बुढ़े आदमी, हमारे को कमाने वाला ना धमाने वाला ना, क्या करेंगे, समस्या ही समस्या। हाँ, सरकार को रेलवे सेफ्टी के ऊपर अपना ज्यादा ध्यान, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आया, रेलवे की सुरक्षा पर बड़े सवाल। सरकार को रेलवे की सेफ्टी के लिए बहुत अच्छे कदम उठाने चाहिए, जिस प्रकार से हादसे होते हैं ट्रेनों के अंदर और आपस में ट्रेनें जैसे भिड़ती हैं, तो उसके लिए सरकार के ऊपर अब आगे सर्दियां हैं, फॉगिंग सिस्टम लगाने चाहिए और धीरे धीरे रेलवे में सेफ्टी के कदम उठाने चाहिए, स्टेशनों पे कूड़ा करकट गंदगी करना, ये सब चीज़ों पे विशेष ध्यान देना चाहिए। ये जो बात भाई साहब कह रहे हैं सुरक्षा की, इससे एक बात और मेरे जहन में आई कि हम जब से हमने सफ़र शुरू किया है अभी तक एक भी सिक्योरिटी गार्ड, एक भी पुलिस वाला, रेलवे सुरक्षा बल हमें नज़र नहीं आया है जब से हम सफ़र कर रहे हैं, और रेलवे में सुरक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, आगे फिर की जाएंगी, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, अभी तक के इस सफ़र में कोई सुरक्षाकर्मी इस ट्रेन में हमें नज़र नहीं आया है। बुज़ुर्गों की बात आपने सुन ली, नौजवानों की बात भी आपने सुन ली, चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं, क्योंकि हम तो सफ़र में ही हैं, अमृतसर तक तो जाना ही है। रेलवे में कोई सुधार हुआ? क्या सुधार हुआ, जो किराया वही होता है और महंगाई तो इतनी बढ़ गई है, कुछ बोल ही नहीं सकते हम लोग। महंगाई रुकी नहीं है? हाँ ना, कुछ नहीं, मोदी ने तो बहुत महंगाई कर दी है। हाँ, और क्या है, नोटबंदी थी पहले, नोटबंदी थी, अब और कुछ बड़ा कुछ हो रहा है। नोटबंदी से हम काला धन पकड़ रहे हैं? हाँ, हमने तो काला धन ही इकट्ठा किया, रेलवे ने इकट्ठा किया, गवर्नमेंट ने इकट्ठा किया हम लोग। रेलवे में जो सुधार होना चाहिए एक्चुअल में वो हो ही नहीं रहा। सबसे बड़ी चीज़ है कि वैसे हम लोग बोलते हैं स्वच्छ भारत करते हैं, पर सफाई जो है होनी चाहिए एक्चुअली होती नहीं, बाथरूम सारे गंदे होते हैं,
ये तो लोकल मतलब ये सिंपल ट्रेन जा रही है, आप स्लीपर वाली ट्रेनों में जाओ कई बार उसमें तो इतनी गंद पड़ी होती है कि आप मैंने वाशरूम नहीं जा सकते, इतने गंदे होते हैं। वो कहते हैं जब शिकायत कर दीजिए फौरन दूर हो जाती है। शिकायत भी करी है पर वो सिर्फ ना ट्यूटर भी हम लोग करते हैं कई बार तो उसका कोई रिपोर्ट तो आता नहीं, बस वो खाली नाम का ही होता है कि हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे। दिखावा ज़्यादा होता है। एक्चुअल में काम जो होना चाहिए ना धरातल पर जो काम होना चाहिए वो हो ही नहीं रहा। वैसे हम लोग बातें करते हैं, हम ये करेंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे जी, ये ट्रेन चलाएंगे, वो करेंगे, लेकिन जो चल रही है उसी को हम टाइम से नहीं चला पाते थे, बुलेट की क्या बात। ये तरह तरह की बातें हैं और इस बीच आपको बता दें कि हर आदमी की अपनी राय है, जो वित्त मंत्री जी को प्रधानमंत्री को सुननी होगी क्योंकि जनता बहुत कुछ उम्मीद कर रही है। इस बीच एक स्टेशन आया है और बाहर का नज़ारा भी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ अच्छी खासी धुंध है, ये समालखा है। वैसे तो यहाँ ट्रेन को रुकना नहीं था लेकिन इसी तरह से सफ़र चलता है और ये सफ़र आगे भी जारी रहेगा। लोगों की तरह तरह की बातें हैं आप सुन रहे हैं। इतनी ठंड में, इतनी धुंध में आपने देखा जिस कोच से हम बाहर निकले हैं वहाँ की खिड़कियाँ बंद नहीं हो रही हैं। जो बुज़ुर्ग आदमी हैं वो किस तरह सफ़र कर रहे हैं, उसके लिए सफ़र किसी भी तरीके से मंगलमय नहीं है। सरकार को ये सोचना होगा, जिस तरह की बातें सरकार कर रही है उसके उलट अभी रेलवे में व्यापक स्तर पर बड़े पैमाने पर सुधार की ज़रूरत है। हम पहुंच गए हैं पानीपत। पानीपत बड़ा मशहूर रहा है लड़ाइयों के लिए। यहाँ एक लड़ाई लड़ी थी बाबर ने, एक लड़ाई लड़ी थी अकबर ने और एक लड़ाई लड़ी थी अहमद शाह ने। यानी कि ये वो इलाका है, ये वो जगह है जिसने आधुनिक भारत के बदलाव में बड़ी भूमिकाएं निभाई हैं। मैं